ये सिद्धि विनायक सेवा संस्थान द्वारा गोहाना अड्डा पर आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। यह शिविर यहाँ पर दूसरा शिविर लगा है। पहला शिविर बालोट में लगाया गया था और जिसमें हमारी ये महिलाएं नेत्री जो हैं ये इनमें योगदान दे रही हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो महिला इस क्षेत्र में आकर अग्रणी होकर इस कार्य को कर रही हैं वो एक बेहतरीन कार्य है। ये कार्य अब एक व्यक्ति विशेष के लिए ना रहकर महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाता है, महिलाएं अपना योगदान भी दे रही हैं। आप और कुछ कहना चाहोगे जनता को? यहाँ पर हमारे बीच पहुँचे श्री धर्मवीर शर्मा जी, डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी, सुनीता जी, डॉक्टर अरुणा जी, नेहा शर्मा जी। यहाँ पर जो रक्तदान की जो भूमिका है, लोगों का रक्त देने में सहयोग कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये इस कार्य को अग्रसर होकर करती रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, आज आपकी टीम आपके साथ में मौजूद है और ये ब्लड डोनेशन कैंप चला रखा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? रक्तदान जो है ये एक महादान होता है। एक यूनिट ब्लड से हम लोग 3 जिंदगियां बचा सकते हैं और रक्तदान करना दुनिया का सबसे बड़ा महादान, सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। इसका उदाहरण मैं ये भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद 27 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ और मुझे ये पता है कि इससे ज़्यादा संतुष्टि हमें किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती है। आज एक्सीडेंट बहुत होते हैं, महिलाओं को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। PGI है चाहे कोई भी प्राइवेट संस्था है, हर जगह पे रक्त की मात्रा हमेशा नीड में रहती है। जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं सबकी डिमांड रहती है, तो इसकी सहायता से हम लोग समाज में बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग आज के समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि रक्तदान जो है वो महादान है और इससे बड़ा कोई भी कर्म नहीं होता। नमस्कार। नहीं, बस मैं अपनी तरफ से सिद्धि विनायक संस्था का धन्यवाद करती हूँ। सुनीता जी, नेहा जी, महाराज जी, डॉक्टर हिमांशु जी और शर्मा जी, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। और ये काम कार्य हमें बढ़ चढ़ के करते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू।